हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो अभी जो है इवनिंग में बन रही है कुछ हल्की फुल्की भूख को रोकने के लिए इनको कुछ मीठा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक कटोरी आटा लिया, उसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। और चीनी डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी, से ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा पानी से इसका घोल बना लूँगी और पानी इतना ही डालूँगी मैं। इसको अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से फेंट लूँगी और उसके बाद जो हमें इसमें आधा कप दूध डालूंगी। दूध भी मैं थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी कि जैसा ये पेस्ट रहेगा जब तक बिल्कुल पतला ना हो जाए तब तक मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूंगी। तो चीनी इस पर पहले ऐड कर ली। अब मैं इसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से इसको घुमाते रहूंगी जो इसमें गुठलियाँ ना रह जाएँ, जो बारी बारी गुठलियाँ दिख रही हैं ये ना रहे, ये पतला सा पेस्ट हो जाए। जैसे जलेबी के लिए मतलब घोल होता है वैसे ही होना चाहिए। तो दूध मैं इसमें एक साथ नहीं डालूंगी, थोड़ी थोड़ी करके डालती रहूँगी। और ये बहुत जल्दी बनने वाला मतलब बच्चों का नाश्ता है, कुछ मीठा खाने का मन करे और घर पे कुछ ना हो तो आटे में ऐसे चीनी घोल के गुलगुले बना सकते हैं। तो गुलगुले का पेस्ट जो है बन चुका है, इसमें देखो एक धार में गिर रहा है चम्मच से नीचे। जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतने खिले खिले गुलगुले बनेंगे। तो मैंने कुछ ज़्यादा देर तक नहीं फेंटा क्योंकि बाहर से आवाज़ लगा रहे थे, मम्मी जल्दी जल्दी बनाओ भूख लग रही है। वो पहले कह रहे थे बिस्किट ला रहे दुकान से, बिस्किट ला रहे, मैंने कहा ले आओ 10 रुपये ले जाओ। फिर मैंने सोचा कहाँ दुकान भेजना, बाहर जाना तो खतरे से खाली नहीं है, मैं घर में ही कुछ जल्दी से बना लेती हूँ। तो जब तक मैं फेंट रही थी इसको तब तक तेल गर्म हो चुका है और मैं ऐसे चम्मच से ही कढ़ाई में उतार दूँगी, चम्मच की सहायता से ऐसे निकाल के ऐसे ही डाल दूँगी। और बहुत ही बढ़िया खिले खिले गुलगुले बन के तैयार हुए। इसमें सौंफ और कुछ जैसे किशमिश वगैरह कुछ ड्राई फ्रूट कुछ वो हो ना, एक केला भी डाल सकते थे लेकिन मेरे पास अभी था नहीं। तो बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है जैसे सौंफ वगैरह डालो। तो यहाँ पे गुलगुले बन रहे हैं, ये देखो बन के कुछ मैंने कढ़ाई से निकाल दिए हैं और मैं इसमें बाकी के भी ऐसे कढ़ाई में डाल दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे बन रहे वैसे बच्चे खा भी रहे हैं, पर आप तो यहाँ पे थी वो खा रही है। अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट बने हुए थे, देखिए बच्चों ने खा ले और ये मैंने अपने प्लेट में रखे हैं। तो गुलगुले वगैरह खा लिए और अब जो है बन रहा है रात का खाना। तो खाने में बनी है कड़ी और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे भिंडी की सब्जी, थोड़ी सी सूखी सब्जी हो, रात को ना तो सूखा सा रहता है और उसमें जैसे जैसे मट्ठा वगैरह कुछ घोटने के लिए हो तो अच्छा लगता है सूखी सब्ज़ी के साथ। तो मैंने कहा फ्रिज में मट्ठा था वो ज़्यादा ही खट्टा हो जाएगा, तो उसकी कड़ी बना ली है। कड़ी पे उबाल आ चुका है और ये करने के लिए रखी है मैंने गैस में से माँच करके। और यहाँ पे बन रही है भिंडी की सब्ज़ी, तो प्याज फ्राई हो रहा है अभी, वो भिंडी मैंने काट के रखी है और प्याज फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए प्याज का जो है कलर चेंज होने लग गया है। ये वाली जो कढ़ाई है ना इसका तलवा जो है ना बहुत भारी है, इसमें बहुत लेट लगता है जैसे तेल गर्म होने में। या दूसरी वाली ये पुरानी कढ़ाई है जल्दी हो जाती है, हल्की है जल्दी गर्म हो जाती है, और इस वाली में थोड़ा टाइम लगता है। तो प्याज फ्राई हो चुके हैं, मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और टमाटर को और प्याज को मैं ऐसे मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर तक ऐसे कट से चलाती रहूँगी जब तक जो है टमाटर थोड़ा पके नहीं। अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले, इसमें नमक डाल दिया मैंने, नमक धनिया और गरम मसाला डाल दूँगी मैं इसमें, थोड़ी सी मिर्ची डालूँगी, मिर्ची तो मैं कम ही डालूँगी तो बच्चे ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते, और हल्दी डाल दूँगी। इसको थोड़ी देर ऐसे कट से चलाती रहूँगी तो टमाटर जल्दी गल जाएंगे उससे, क्या बोलते हैं नमक डालने से। और जो भिंडी मैंने थोड़ी सी काटी क्योंकि कुछ कड़ी भी है, इसमें भिंडी ऐड कर ली, इसको कट से इसमें अच्छी तरह से मिला लूँगी मसालों में और ऐसे ही ढक दूँगी। और बहुत जल्दी बन जाती है भिंडी। तो सब्ज़ी खाना वाना बन चुका है और यहाँ पे जो है थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी मैंने टिफिन में, तो ख़राब होने से लगी थी, ऊपर से वो पीला सा हो गया था उसका कलर,
तो मैं इस मलाई से जो है घी निकाल रही हूँ अभी। मैं सोचा एक दो दिन बाद निकालूँगी, टिफिन फुल जो ये छोटा सा वो है ना टिफिन फुल भर जाएगा, लेकिन मैंने कहा ये आजकल गर्मी आए ख़राब हो जाएंगी, ऊपर से उसका तो पीला सा कलर होने लग गया था। मैंने कहा कम है तो इतना सही निकाल लूँगी, गर्मी में जो है ज़्यादा दिन तक मलाई रखनी भी नहीं चाहिए वैसे, तो इसको मैं ऐसे ही चम्मच से ही चम्मच की सहायता से ऐसे मिक्स कर रही हूँ। तो फ्रिज से मैंने जो है कम से कम एक घंटे पहले निकाल ली थी वो, तो अभी जो है आधा थोड़ा बहुत जो है मक्खन निकलने लग गया है, निकला नहीं पर मतलब मलाई का जो कलर है वो चेंज हो गया। मैंने इसमें जो है आइस क्यूब डाल ली है, जो डाली है मक्खन में, तो आइस क्यूब डालने से देखो मक्खन ने पानी छोड़ दिया, पानी नीचे है और मक्खन जो है पानी में ऊपर तैरने लग गया है। तो थोड़ी देर ऐसे ही मैं एक दो मिनट पानी में रखूँगी और उसके बाद निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मक्खन निकाल लिया है और यहाँ पे घी निकलने ही वाला है, मतलब लगभग निकल ही चुका है। तो ये देखिए मलाई से जो है घी निकल चुका है, तो मेरे पास मलाई फेंटने वाली जो है घी निकालने वाली कोई मशीन नहीं है, बस चम्मच की सहायता से मैं ऐसे फेंट लेती हूँ थोड़ी देर तक। अब जो है ये दूसरे दिन की वीडियो है, आज मतलब आज की आज ही जाएगी वीडियो। तो यहाँ पे जो है मौसमी का जूस बन रहा है, तो वही जूस मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। मैंने पहले सोचा अनार का बना लूँ, फिर मैंने कहा अनार तो इतनी जल्दी नहीं सूखेंगी, लेकिन मौसमी का रस जो है जल्दी सूख जाएगा, तो अभी सिर्फ मौसमी का ही जूस बना रही हूँ मैं, अनार तो रख लूँगी फ्रिज में। हेलो गाइज, तो जो है वीडियो हो गई थी कल शाम को स्टार्ट और आज जो है दूसरी शाम हो गई है ना, तो बीच में कुछ वीडियो बनी और अभी तक वीडियो की एंड नहीं की। ये प्यू रानी ये देखो नहा के आ चुकी है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए है ना, गर्मियों में कितनी बार नहाए आज, बहुत थाली बार। चलो कपड़े पहले बाहर जाके, चलो क्यों नहा के आ चुकी है अब, प्राप्ति तुम भी नहालियो अब फिर बाल्टी में पानी भर दो। तो बीच में जो है कोई क्लिप नहीं मतलब वीडियो नहीं निकाली, पहले गौरव भी जाएगा, जाओ मम्मी मैं खुद धो रही हूँ अभी, एक बार देख लेना फटा दो यार। हाँ जा मम्मी साबुन से ना, हाँ ढंग से धो जा, धो दे अच्छे ढंग से साबुन का झाग करके धोइयो, और जो है छत पे जाओ हाथ धोने के लिए, मैं रोटी बना लूंगी तो उसके बाद ना आऊंगी फटाफट। हाँ हाँ, तो अभी जो है रात की रोटी बना रही हूँ गौरी, मैं रोटी बनाने के बाद करूँगी, पहले रोटी बना लेती हूँ उसके बाद ना आऊंगी, पसीना इतना हो रहा इतनी गर्मी। मैंने किचन में घुसना जो है पसीने से तर बतर, जैसे किचन में घुसो रोटियां सेकते से ज़्यादा ही गर्मी होती है, तो पहले रोटियां सेक लेती हूँ उसके बाद फटाफट पहले नहा लेती हूँ। बाल्टी भर के रखना मम्मी, मैं पसीने से। हाँ हाँ दूसरा पहन लियो, सारे दूसरे पहन कपड़ों में पसीना होया रहता ना, तो पूरे कपड़े चेंज ही करना, उनको बाहर तार में डाल दियो। तो गाइस वीडियो ज़रा पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसे लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।